मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनों चैन से बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है जब खिलौने को मचलता है कोई गुरबत का खिलौने को मचलता है कोई गुरबत का फूल अरे आंसुओं के साज पर बच्चे को बहलाती है जान कितनी बर्फ से रातों में ऐसा भी हुआ सलाम है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं और अल्लाह उस औलाद को नेक हिदायत दे जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं उनको अपने घर से निकाल देते हैं और जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करे और घर से निकाले उस औलाद के लिए शेर जरा गौर से सुनिएगा कि माँ क्या होती है जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है हड्डियों का रस पिला कर अपने दिल के चैन को कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है बेटा कितना ही बुरा हो पर पड़ोस के हुजूर रोक कर जज्बात को बेटे के गुन गाती है घर से जब परदेश जाता है कोई नूरे नजर हाथ में कुरान ले
तक आवाज से कहती है बेटा अलविदा, कांपती आवाज से कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ, जब परेशानी में हम घिर जाते हैं परदेश में, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है हफ्ते में जुम्मे रात को, साल भर में या कभी हफ्ते में जुम्मे रात को, उम्र भर खिदमत का सिला एक फातिहा पाती है माँ। औलाद अगर माँ की नाफरमानी करे तो वो माँ वो हस्ती है जो कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। अल्लाह अल्लाह इतनी सारी बेरुखी के बावजूद बद्दुआ देती नहीं हरगिज न पछताती है माँ कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, अरे मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती, थक के सो जाती है माँ तब कहीं